ओम नमः शिवाय। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आपकी राशि, आपका भविष्य 29 सितंबर 2023 शुक्रवार क्या है आपके नसीब में, जानते हैं। मेष राशि, शुभ अंक 3, शुभ रंग भूरा। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। भाग्य की प्रबलता आपके कई बिगड़े हुए काम बना देगी। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में दिन आपके पक्ष में रहेगा। काम के सिलसिले में भी दिन मजबूत है। आपकी सेहत भी बढ़िया रहेगी। जीवन साथी से झड़प संभव है। शांति से काम ले, प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए दिनमान अच्छा रहेगा। उपाय, जेब में सोने का कोई सामान रखें। गीता ज्ञान अमृत। सही समय कभी नहीं आता है, जो समय अभी है वही सही समय है। भाग्य का मीटर 75% रहेगा। आपके लिए वास्तु टिप्स। नंबर 1, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 2, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। वृष राशि, शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। मन में अलग अलग विचार आएंगे। धार्मिक कामों में भी मन लगेगा। यकायक खर्चों में तेजी आपको परेशान कर सकती है। आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी। काम के सिलसिले में दिनमान थोड़ा कमजोर है, इसलिए सावधानी बरतें। शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने प्रिय का गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहें। उपाय, माथे पर लाल टीका लगाएं। गीता ज्ञान अमृत। सही समय कभी नहीं आता है, जो समय अभी है वही सही समय है। भाग्य का मीटर 85% रहेगा। आपके लिए वास्तु टिप्स। नंबर 1, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 2, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। मिथुन राशि, शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। बिजनेस से लाभ का रास्ता दिखाई देगा। शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। जीवन साथी आपको एक उत्तम जीवन साथी नजर आएगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोग भी आज के दिन को एंजॉय करेंगे, बस किसी भी तरह की झड़प से बचें। काम के सिलसिले में दिनमान मजबूत है। आपको प्रोन्नति मिल सकती है। उपाय, सूर्य को अर्घ्य दें। गीता ज्ञान अमृत। सही समय कभी नहीं आता है, जो समय अभी है वही सही समय है। भाग्य का मीटर 80% रहेगा। आपके लिए वास्तु टिप्स। नंबर 1, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 2, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं
तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। कर्क राशि, शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। खर्चों में एकाएक तेजी आएगी और आप बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखनी जरूरी होगी। शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में ईमानदारी एक दूसरे के दिल में जगह बनाएगी। प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने प्रिय के बदलते स्वभाव से थोड़े दुखी हो सकते हैं। काम के सिलसिले में दिनमान मजबूत रहेगा और आप काफी खुश होंगे। उपाय, गाय को हरा चारा खिलाएं। गीता ज्ञान अमृत। सही समय कभी नहीं आता है, जो समय अभी है वही सही समय है। भाग्य का मीटर 75% रहेगा। आपके लिए वास्तु टिप्स। नंबर 1, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 2, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। सिंह राशि, शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज खुद को काफी खुशनसीब समझेंगे और अपने प्रिय के साथ काफी समय बिताएंगे। शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में तनाव में कमी आएगी। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। दोस्तों के साथ मौज मस्ती का मौका मिलेगा। काम के सिलसिले में दिनमान सामान्य रहेगा। भाग्य प्रबल होने से कामों में सफलता मिलेगी और रुके हुए काम बनेंगे। उपाय, बच्चों को कुछ मीठा खाने को दें। गीता ज्ञान अमृत। सही समय कभी नहीं आता है, जो समय अभी है वही सही समय है। भाग्य का मीटर 70% रहेगा। आपके लिए वास्तु टिप्स। नंबर 1, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 2, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। कन्या राशि, शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा। आपके लिए आज का दिनमान सामान्य रूप से फलदायक रहेगा। अपने गुस्से पर काबू रखें, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में तनाव बढ़ सकता है। प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज के दिन खुश रहेंगे और आपके प्रिय से आपको कोई अच्छी बात सुनने को मिल सकती है। काम के सिलसिले में आज का दिन अच्छा रहेगा। आपकी इनकम भी बढ़ेगी, जिससे मन हर्षित होगा। उपाय, माथे पर चंदन का टीका लगाएं। गीता ज्ञान अमृत। सही समय कभी नहीं आता है, जो समय अभी है वही सही समय है। भाग्य का मीटर 75% रहेगा। आपके लिए वास्तु टिप्स। नंबर 1, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 2, अगर आप अपने कपड़े,
चप्पल जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। तुला राशि, शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। परिवार के छोटे सदस्य आपका दिल खुश कर देंगे। दोस्तों के साथ बातचीत होगी, कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी, सेहत बढ़िया रहेगी। शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोग घर वालों से अपने प्यार के बारे में कहेंगे। काम के सिलसिले में दिनमान सामान्य रहेगा। उपाय, गणपति को लड्डुओं का भोग लगाएं। गीता ज्ञान अमृत। सही समय कभी नहीं आता है, जो समय अभी है वही सही समय है। भाग्य का मीटर 80% रहेगा। आपके लिए वास्तु टिप्स। नंबर 1, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं, और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 2, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। वृश्चिक राशि, शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। धन की आवक होगी, पैसों की स्थिति अच्छी होगी, जिससे आप खुद को सशक्त महसूस करेंगे। सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए सावधानी रखें। इनकम में बढ़ोतरी होने से मन हर्षित होगा। शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में कुछ नएपन का एहसास होगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए दिनमान बढ़िया है। उपाय, माता के मंदिर में मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं। गीता ज्ञान अमृत। सही समय कभी नहीं आता है, जो समय अभी है वही सही समय है। भाग्य का मीटर 70% रहेगा। आपके लिए वास्तु टिप्स। नंबर 1, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं, और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 2, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। धनु राशि, शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी बुद्धिमानी, कुशलता और आपका अनुभव जीवन में आपको आज कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। इससे आपके कामों में भी उत्तम सफलता मिलेगी और गृहस्थ जीवन भी खुशनुमा रहेगा। एक दूसरे के प्रति समझदारी बढ़ेगी। प्रेम जीवन बिता रहे लोग थोड़े बहुत तनाव के बावजूद अपने रिश्ते में प्यार का एहसास करेंगे। काम के सिलसिले में भाग्य की प्रबलता और आपकी मेहनत दोनों आपके हक में फैसला सुनाएंगे। उपाय, शिव की आराधना करें। गीता ज्ञान अमृत। सही समय कभी नहीं आता है, जो समय अभी है वही सही समय है। भाग्य का मीटर 80% रहेगा। आपके लिए वास्तु टिप्स। नंबर 1, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं, और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं।
नंबर दो, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। मकर राशि, शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, खर्चों में तेजी आएगी, सेहत में सुधार होगा, इनकम सामान्य रहेगी, मन में कुछ नए विचार आएंगे जो इनकम बढ़ाने में मदद करेंगे, प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए दिनमान बहुत अच्छा रहेगा, शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में रोमांस भरपूर रहेगा, भाग्य प्रबल रहेगा जिससे कामों में सफलता मिलेगी। उपाय, शिव की आराधना करें, गीता ज्ञान अमृत। सही समय कभी नहीं आता है, जो समय अभी है वही सही समय है। भाग्य का मीटर 70% रहेगा। आपके लिए वास्तु टिप्स। नंबर एक, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं, और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर दो, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। कुंभ राशि, शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा, इनकम में बढ़ोतरी होगी जिससे मन हर्षित होगा, खर्चों में कमी आएगी, सेहत में कुछ हद तक सुधार देखने को मिलेगा, काम के सिलसिले में दिनमान मजबूती से टिके रहने का है, मेहनत करें और अपने काम पर ध्यान दें, अचानक से कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है, शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में दिनमान थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज के दिन को एंजॉय करेंगे और आप अपने प्रिय को विवाह का प्रपोजल दे सकते हैं। उपाय, मंदिर के बाहर बैठे लोगों को खाना खिलाएं। गीता ज्ञान अमृत। सही समय कभी नहीं आता है, जो समय अभी है वही सही समय है। भाग्य का मीटर 80% रहेगा। आपके लिए वास्तु टिप्स। नंबर एक, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं, और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर दो, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। मीन राशि, शुभ अंक 6, शुभ रंग नारंगी। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, अपने काम पर पूरा ध्यान रखेंगे और आपकी दूरदर्शिता और आपका अनुभव आपके बहुत काम आएगा, कठिन असाइनमेंट भी आसानी से पूरे हो जाएंगे जिससे आपको तारीफ मिलेगी, शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में जीवन साथी का बर्ताव आपको परेशान करेगा, प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए दिनमान बहुत अच्छा है, आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। उपाय, हनुमान चालीसा को अपने साथ रखकर बाहर निकलें। गीता ज्ञान अमृत। सही समय कभी नहीं आता है, जो समय अभी है वही सही समय है। भाग्य का मीटर 75% रहेगा। आपके लिए वास्तु टिप्स। नंबर एक, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें
कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर दो, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है।